अगर आपने स्किबिडी टॉयलेट सीरीज को अब तक नहीं देखा है पर YouTube पर धमाल मचाने वाले इस पूरे सीरीज को बस आप एक छोटी सी वीडियो में देखना चाहते हो तो आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। स्किबिडी टॉयलेट के शुरुआती दो एपिसोड्स में टॉयलेट से निकली एक मुंडी दिखाई जाती है जो कुछ गा रहा होता है। खैर इसका अर्थ भले ही कुछ ना निकले पर एपिसोड 3 में एक बड़ा टॉयलेट एक व्यक्ति को कुचल देता है जो आगे चलकर जी मैन कहलाने वाला है। एपिसोड 4 में ये टॉयलेट्स रेस्टोरेंट्स जैसी पब्लिक प्लेसेस में घुसकर सामान्य मनुष्यों को इन्फेक्ट करके अपनी तरह कन्वर्ट करने लगता है, जिस वजह से समय के साथ टॉयलेट्स की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि एपिसोड 5 में एक जंग सी छिड़ जाती है और सबसे खतरनाक बात अब ये टॉयलेट्स उड़ भी सकते हैं। लेकिन एपिसोड 7 में हमें पता चलता है कि इन टॉयलेट्स को मारने के लिए बस इन्हें फ्लश करना है। साथ ही इसी एपिसोड में पहली बार जीमैन स्किबिडी टॉयलेट की एंट्री होती है और अगले ही एपिसोड 8 में पहली बार कैमरामैन की आर्मी को दिखाया जाता है जिसकी ओरिजिन को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। खैर एपिसोड 8 में कैमरामैन की आर्मी टॉयलेट आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और एपिसोड 9 में पहली बार सुनहरी टॉयलेट कब्र को दिखाया जाता है जिसके ऊपर स्प्रे पेंट करने पर स्किबिडी पुलिस नाचते नाचते वहाँ पहुँच जाती है। और बस इतना ही नहीं, अब तो एपिसोड 10 में एक प्रिस्ट टॉयलेट को भी दिखाया जाता है जिनका अपना ही चर्च है पर कैमरामैन इसकी बस्ती बनने से पहले ही उसे फ्लश कर देता है। अगले एपिसोड में कैमरामैन और विशाल टॉयलेट आर्मी के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। कैमरामैन से परेशान होकर एपिसोड 12 में जीमैन को अपनी न्यू एबिलिटी लेजर अटैक का इस्तेमाल करना पड़ जाता है जिसके जवाब में एक ट्राइपॉड सा मशीन आता है फिर चला जाता है। एपिसोड 14 में कैमरामैन आर्मी बहुत सारे बड़े बड़े टॉयलेट से लड़ने जा रहे होते हैं तब अचानक उन टॉयलेट्स के पीछे से बिना भेदभाव के एक रॉकेट टॉयलेट सबको उड़ा देता है। एपिसोड 15 में कैमरामैन पूरे टॉयलेट्स के झुंड को बॉम्ब से उड़ा देता है लेकिन एक टॉयलेट इसका बदला लेकर रहता है। अगले एपिसोड में एक कैमरामैन की मदद से टॉयलेट्स के बेस में जासूसी करने की कोशिश की जाती है जो स्किबिडी टॉयलेट्स को पसंद नहीं आती। एपिसोड 17 में जीमैन टॉयलेट अपना भाषण दे ही रहा होता है कि उसके ऊपर कैमरामैन की आर्मी लेजर अटैक कर देते हैं पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जीमैन को एक खरोंच तक नहीं आती, यहाँ तक कि हमलावर कैमरामैन जीमैन द्वारा पकड़ा जाता है। एपिसोड 18 में टॉयलेट्स कैमरामैन की जमकर कुटाई कर ही रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की और अगले एपिसोड में कैमरामैन बैठकर लड़ाई देख रहे होते हैं क्योंकि टाइटन कैमरामैन तीन सिर वाले इस टॉयलेट की धुलाई कर रहा होता है। एपिसोड 20 में हमें जीमैन वर्सेस कैमरामैन के बीच एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है जहां रॉकेट टॉयलेट बीच में आकर टाइटन कैमरामैन की शील्ड तोड़कर उसे डैमेज कर देता है जिस वजह से कैमरामैन अब जीमैन से लड़ नहीं सकता, मजबूरन वह जंग को बीच में छोड़कर भाग जाता है। अगले एपिसोड में एक कैमरामैन एक टॉयलेट से उनके मकसद के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो टॉयलेट रेस्क्यू सिग्नल यूज करने लगता है जिस वजह से उस टॉयलेट को फ्लश करना पड़ता है लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि सिग्नल जीमैन तक पहुंच जाती है और जीमैन वहां तुरंत पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही सभी कैमरामैन को मार देता है। एपिसोड 22 में हमें पता चलता है कि जीमैन टॉयलेट को फ्लश नहीं किया जा सकता। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि टाइटन कैमरामैन की मरम्मत का काम चल रहा है तभी उस स्थल पर कुछ टॉयलेट्स हमला कर देते हैं लेकिन टाइटन कैमरामैन अपना न्यू अटैक एक्सप्लोडिंग प्लाज्मा बुलेट का इस्तेमाल करके सभी घुसपैठियों को मार देता है। उसी दौरान टाइटन कैमरामैन की अनुपस्थिति में बाहरी दुनिया में टॉयलेट्स की सेना हाहाकार मचा रही होती है लेकिन तभी एंट्री होती है स्पीकर मैन की जिसके बाद अगले एपिसोड 25 में वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी असल ताकत दिखाता है पर एपिसोड 26 में हमें पहली बार टाइटन स्पीकर मैन को दिखाया जाता है। अगले एपिसोड में टॉयलेट बेस में हीरोज धावा बोलते हैं और अगले एपिसोड 28 में टॉयलेट्स के सीक्रेट मीटिंग में टाइटन स्पीकर मैन सभी टॉयलेट्स को मार के उसकी औकात दिखा देता है। लेकिन एपिसोड 29 में एक ग्लिच टॉयलेट की एंट्री होती है जो पूरे एपिसोड में तहलका मचाकर रख देता है। फिर एपिसोड 30 में स्किबिडी साइंटिस्ट एक पैरासाइट टॉयलेट को बनाता है ताकि वो सभी टाइटन्स हीरोज को अपना गुलाम बना सके जिस वजह से एपिसोड 31 में अपने ही दोस्त अपनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन मिलिट्री टॉयलेट से लड़के उसे हरा तो देता है लेकिन तभी एक पैरासाइट टाइटन स्पीकर मैन को कंट्रोल कर लेता है जिस वजह से टाइटन स्पीकर मैन अपने ही दोस्तों पर हमला करने लग जाता है। एपिसोड 33 में जीमैन टॉयलेट यूट्यूब के हेडक्वार्टर को ही उड़ा देता है
और अगले एपिसोड में एक इन्फेक्टेड कैमरामैन को अपनी ओर खींचकर उसमें से पैरासाइट हटा दिया जाता है, जिसके बाद एपिसोड 35 में एक साइंटिस्ट कैमरामैन एंटी पैरासाइट गन बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उनके बेस पर अटैक हो जाता है जिस हमले में साइंटिस्ट कैमरामैन की मौत हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट के शहीद होने के बावजूद भी उसकी बनाई एंटी पैरासाइट गन से एपिसोड 36 में सभी इन्फेक्टेड दोस्तों को नॉर्मल कर दिया जाता है। एपिसोड 37 में एक बड़ी कैनन बनाई जाती है जिससे इन्फेक्टेड कैमरामैन को ठीक किया जाता है। एपिसोड 38 में उसी कैनन से टाइटन स्पीकर मैन को शूट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी जीमैन टॉयलेट ऐसा कतई नहीं होने देता और अब तो ये खुद भी उड़ सकता है, साथ ही दो एक्स्ट्रा लेजर फायर कर सकता है। अगले एपिसोड 39 में हमें टीवी मैन से मिलवाया जाता है, जिसके बाद के एपिसोड में एक बड़ा सा टीवी मैन अपनी ताकत दिखाकर टॉयलेट्स को हैरान कर देता है। एपिसोड 41 में टॉयलेट्स की एक बड़ी आर्मी का सामना होता है टाइटन टीवी मैन से। ये पहली बार ऑन स्क्रीन आता है और इसी एंट्री में ये अपनी एबिलिटी से सभी टॉयलेट्स को सुसाइडल फ्लश करवा देता है। एपिसोड 42 में हमें पता चलता है कि टीवी मैन पैरासाइट टॉयलेट्स के असर को भी खत्म कर सकता है, लेकिन एपिसोड 43 में टॉयलेट्स चतुराई दिखाते हुए सनग्लासेस पहनकर आ जाते हैं, जिस वजह से टीवी मैन की एबिलिटी उन पर काम नहीं करती। लेकिन एपिसोड 44 में टाइटन टीवी मैन में भी एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के खुद को अपग्रेड कर लेता है और सभी टॉयलेट्स की योजना पर फ्लश कर देता है। एपिसोड 45 में होती है टाइटन टीवी मैन और इन्फेक्टेड स्पीकर मैन की घमासान युद्ध, जहां टाइटन टीवी मैन टाइटन स्पीकर मैन पर भारी पड़ने लगता है। तब टाइटन स्पीकर मैन वहां से बचकर भाग निकलता है। एपिसोड 46 में टाइटन टीवी मैन एक वैक्यूम टॉयलेट को खत्म कर देता है, जिसके बाद एपिसोड 7 में टाइटन टीवी मैन तथा जी मैन के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि उस एपिसोड में टीवी मैन जी मैन पर भारी पड़ रहा था कि तभी पीछे से आके एक टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के वेपन्स को डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी उस टॉयलेट से टीवी मैन निपट ही लेता है कि तभी जी मैन उस पर फिर से हमला कर देता है, जिस वजह से टाइटन टीवी मैन को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब जी मैन मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन आकर टीवी मैन के स्क्रीन पर चाकू मार देता है, जिस वजह से मजबूरन टाइटन टीवी मैन को खुद को बचाते हुए वहां से भागना पड़ता है। एपिसोड 48 में टॉयलेट्स भारी पड़ रहे थे, पर एपिसोड 49 में हीरोज की टीम को ज्वाइन करती है टीवी वुमेन, जो कि अपनी रोशनी से टॉयलेट्स को जला सकती है और अपने सर को किसी पैरासाइट की तरह दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही टीवी मैन की तरह ये भी टेलीपोर्ट हो सकती है। एपिसोड 50 में टॉयलेट्स के झुंड हीरोज के बेस पर अटैक कर देते हैं और हमें लगता है कि ये मिनी टाइटन्स ही बचे जो कुछ कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन तभी होता है टाइटन कैमरामैन की धमाकेदार एंट्री। ये अब पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हथियारों के साथ हथौड़ा, मैग्नेट और छाती से निकलने वाली खतरनाक बीम से देखते ही देखते ये पूरे बाजी को पलट कर रख देता है और एपिसोड 51 में टाइटन कैमरामैन मिनी टाइटन्स को सही सलामत एक बिल्डिंग के ऊपर उतार देता है। एपिसोड 52 में मिनी टाइटन की फिर से एंट्री होती है और पहली बार हमें कैमरा वेमेन को दिखाया जाता है। एपिसोड 53 में आती है टेलीपोर्ट होने वाला यूएफओ टॉयलेट, जो कि अपने टारगेट को भाप बनाकर उड़ा देता है, जिसके बाद एपिसोड 54 में एक ग्लिच टॉयलेट सबको परेशान करता है, पर टीवी वुमेन आकर उसे संभाल लेती है, जिसके बाद कैमरामैन खुश होकर टीवी वुमेन से गले मिलने जाता है, पर टीवी वुमेन नखरा दिखाते हुए खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। एपिसोड 55 में हीरोज का ग्रुप लड़ने जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक एसिड वाला टॉयलेट उस पूरे ग्रुप का अंत कर देता है, जिसके जवाब में टाइटन कैमरामैन उस टॉयलेट की खूब पिटाई करता है। वहीं एपिसोड 56 में टाइटन स्पीकर मैन हीरोज के दूसरे ग्रुप को मार रहा होता है कि तभी एपिसोड 57 में टाइटन स्पीकर मैन तथा टाइटन कैमरामैन के बीच काफी देरी तक जंग चलती है, जिसमें बीच बीच में भी कई टॉयलेट्स और टाइटन्स आते हैं, जिसमें एक कैमरामैन को रोकना चाहता है तो दूसरा स्पीकर मैन से पैरासाइट हटाना चाहता है, पर टीवी वुमेन तथा टाइटन कैमरामैन मिलकर टाइटन स्पीकर मैन को फिक्स कर देते हैं। एपिसोड 58 में टाइटन स्पीकर मैन गुस्से से ज्वालामुखी बनकर फूट रहा होता है, इसलिए इसे जो भी सामने टॉयलेट दिखता है ये उसे बिना मारे दम नहीं लेता। एपिसोड 59 में एक विशाल टॉयलेट आता है, लेकिन टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन कैमरा मैन उसे मारने आते हैं, पर चूंकि स्पीकर मैन अलग ही बात से नाराज था, इसलिए वो कैमरा मैन को ड्रीम 11 में टीम बनाने को कहता है, बाकी टॉयलेट्स की सुताई ये करने लग जाता है, हालांकि एक लात कैमरा मैन ने भी मारी। अगले एपिसोड में जी मैन की टीम एक प्लान बनाते हैं
जिसके बारे में हीरोज को जासूस की मदद से पता चल जाती है। फिर एपिसोड 61 में स्पीकर वुमेन की भी एंट्री हो जाती है, जो नाच नाच कर टॉयलेट्स की बजाती है। एपिसोड 62 में स्किबिडी साइंटिस्ट का आकार काफी बढ़ जाता है और उसके पास स्पीकर्स एंड शैडो टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी आ जाती है। इस प्रकार पल्डा अब टॉयलेट्स की तरफ भारी पड़ने लगता है। फिर एपिसोड 63 में मिनी टाइटन का आगमन होता है, वो भी फ्लाइंग सीट के साथ। फिर एपिसोड 64 में वही मारकाट चलता रहता है, लेकिन एपिसोड 65 में एक ट्विस्ट देखने को मिलती है, जहां जीमैन टॉयलेट को उसकी आर्मी उसे मरने छोड़ देती है। इस प्रकार हमारे टाइटन जीमैन को शायद मार ही देते हैं, क्योंकि बाद में टाइटन्स को पता चलता है ये जीमैन नहीं बस उसका छलावा था। और उसी वक्त इन टाइटन्स के ऊपर से बॉम्ब की वर्षा होना शुरू हो जाती है। एपिसोड 66 में फिर से बैटल होती है रेगुलर वाली। एपिसोड 67 में एसिड हेड टॉयलेट तथा टाइटन्स की लड़ाई में टाइटन्स की ही जीत होती है, पर कुछ ही देर में वहां साइंटिस्ट टॉयलेट की एंट्री हो जाती है, जो दोनों टाइटन से अकेले भिड़ जाता है और ये मिनी टॉयलेट्स को मारकर कैमरामैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो कामयाब हो भी जाता है क्योंकि वो कैमरामैन से उसी की गर्दन कटवाना चाहता था और टाइटन स्पीकरमैन पर हमला करवाता है। इन परिस्थिति में लग रहा था मानो टाइटन्स तो अब गए, पर तभी आसमान को चीरते हुए टाइटन टीवी मैन की एंट्री हो जाती है, जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर और अपग्रेडेड था। इसलिए कुछ ही क्षणों में वो साइंटिस्ट टॉयलेट का भेजा निकाल देता है और अपने बीम से उसका पूरा चेहरा जला देता है, जिसके बाद तीनों टाइटन्स मिलकर बड़े टॉयलेट्स को मारने निकल जाते हैं और कैमरामैन कहीं गुप्त स्थान पर छिपने चले जाते हैं। एपिसोड 68 में टाइटन टीवी मैन की कमाल की एबिलिटी दिखाई जाती है, जहां ये अपनी मुंडी खोलकर उसे उड़ता फिरता हमला करने वाला बीम मशीन बना देता है और अपनी स्क्रीन से भी सभी टॉयलेट्स को मार मार कर वहां शांति कायम कर देता है। युद्ध खत्म होते ही पीछे से एक छुटकू टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के सिर पर अटैक करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो भूल गया था कि वो जरूरत से ज्यादा पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इधर जीमैन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, भले ही पहले इसने टाइटन्स को चकमा दिया हो, पर इस बार सभी मिलकर इसकी बजाते हैं। फिर धीरे धीरे टॉयलेट्स को हर जगह से तोड़ा फोड़ा जाता है, उसे फ्लश किया जाता है, उसके बेस को तबाह किया जाता है। एपिसोड 69 में टॉयलेट्स के बेस में टॉयलेट्स की खूब पिटाई होती है, पर ज़ॉम्बी फाइट टॉयलेट्स हीरोज की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसकी सूचना तीनों टाइटन्स को मिल जाती है और वे उस बेस की तरह उसे तबाह करने निकल जाते हैं, और यही एपिसोड 69 खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।